कोच इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है, ये बात कुछ समझ में नहीं है। जबकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पे कुछ स्लीपर क्लास थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी का, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त अरमान और आप देख रहे हो जर्नी विद अरमान। स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू वीडियो में। तो मैं हूँ फिलहाल लूनी जंक्शन पे और आज का जो अपना ब्लॉग है वो होने वाला है लूनी रेलवे स्टेशन के बारे में। तो ये है लूनी जंक्शन। लूनी जंक्शन पे कुल तीन प्लेटफॉर्म है। तो ये है लूनी जंक्शन और अभी हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे। फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर दो बताऊंगा और फिर मैं आपको प्लेटफॉर्म नंबर एक बताऊंगा। तो तीन नंबर पे जो हमें सुविधाएं मिलती है, ये देखिए आप सामने सबसे पहले शौचालय आपको मिल जाएगा, दोनों का अलग अलग। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे तो कुछ हमें स्टॉलें वगैरह देखने को मिल जाएगी आराम से, और एक ये पानी की प्याऊ हमें मिल जाएगी देखने को। तो अभी हमें प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर तीन, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा प्लेटफॉर्म नंबर दो और प्लेटफॉर्म नंबर एक। ये है प्लेटफॉर्म नंबर तीन, बाड़मेर जोधपुर डेमो लूनी जंक्शन से डिपास लेती हुई। ये एक और आपको पियाव मिल जाएगी प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे आपको वेटिंग एरिया कहाँ पे मिलेगा। अगर आपका रिजर्वेशन वाला टिकट है स्लीपर क्लास थर्ड एसी, सेकंड एसी या फर्स्ट एसी का, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे मिल जाएगा वेटिंग एरिया ये। और जस्ट इसके पास में आपको मिल जाएगा पुरुष के लिए वेटिंग एरिया। तो ये बना हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर तीन पे। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर दो की तरफ। ये है प्लेटफॉर्म नंबर दो। इससे पहले मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म नंबर तीन और अब मैं आपको बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर दो लूनी जंक्शन पे। लूनी जंक्शन रेलवे स्टेशन में वैसे तो काफ़ी सुविधा है, लेकिन एक चीज़ की मेरे को कमी लगी वो है कोच इंडिकेटर की। तीनों ही प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है, ये बात कुछ समझ में नहीं है। जबकि लूनी जंक्शन एक बिजी स्टेशन है, फिर भी पता नहीं इस स्टेशन में क्यों नहीं कोच इंडिकेटर क्यों नहीं लगा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर दो पे भी आपको वेटिंग एरिया वगैरह मिल जाएगा। ये पास में जेंट्स के लिए और इसके पास में लेडीज़ के लिए वेटिंग एरिया आपको प्लेटफॉर्म नंबर तीन और प्लेटफॉर्म नंबर दो दोनों पे आपको मिल जाएगा आराम से। यह है प्लेटफॉर्म नंबर दो। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर एक पे इस फुट ओवर ब्रिज से। आप कभी भी ट्रैक पार करो तो फुट ओवर ब्रिज का हमेशा उपयोग करें। तो अब हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ। और ये है प्लेटफॉर्म नंबर एक लूनी जंक्शन रेलवे स्टेशन का। प्लेटफॉर्म नंबर एक पे कुछ खास सुविधाएं नहीं है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि किसी भी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पे कुछ भी खास सुविधाएं हमें नहीं मिली है। दो नंबर पे और तीन नंबर पे वेटिंग एरिया, शौचालय, प्याऊ वगैरह थे। यह है लूनी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर एक पे आपको टिकट खिड़की वगैरह मिल जाएगी टिकट के लिए। ये मशीन मिल जाएगी एवीटीएम मशीन।
और यह है बाहर का नज़ारा लूनी जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर। सामने आपको पार्किंग वगैरह मिल जाएगी, इस तरफ टू व्हीलर पार्किंग, तो ये था प्लेटफॉर्म नंबर 1। वैसे लूनी जंक्शन से 3 लाइनें निकलती है। पहली लाइन है जो कि समदड़ी पीलड़ी होते हुए अहमदाबाद की तरफ जाती है, दूसरी लाइन है जो कि मारवाड़ जंक्शन फालना होते हुए अहमदाबाद बोरीवली मुंबई की तरफ जाती है, और तीसरी लाइन है जो कि जाती है जोधपुर होते हुए बीकानेर नागौर की तरफ, तो इसलिए लूनी को लूनी जंक्शन बोला जाता है, जहाँ से 3 लाइनें डिवाइड होती है। पहली लाइन मैंने आपको जैसे बताई समदड़ी भीलड़ी होते हुए अहमदाबाद की तरफ, दूसरी लाइन मारवाड़ जंक्शन फालना होते हुए अहमदाबाद मुंबई बोरीवली की तरफ, और तीसरी लाइन जोधपुर बीकानेर नागौर होते हुए लूनी रेलवे स्टेशन के ऊपर डेडिकेट छोटा सा मेरा ब्लॉग था। आशा करता हूँ मेरी जरा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी और मेरा वीडियो आपको पसंद करोगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे क्या है कि हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में और एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।